बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैंने उल्ट्रा मुरली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणभेरी है वो बच चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों के अंदर जुटी राजनीतिक पार्टियों के बीच अब उठापटक शुरुआत हो चुकी है। कई सारी राजनीतिक पार्टियां दूसरे नेताओं के दलों को आपको बता दें कि अपने शामिल कराने में जुटी हुई है, तो कई अपने पार्टी के नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल रहे हैं जो गद्दारी कर रहे हैं। तो अलग अलग आपको बता दें कि सिचुएशन आपको देखने को मिली है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी और उनकी पार्टी भी आपको बता दें कि एक तरीके से सक्रिय हो चुकी है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी काफी ज्यादा तेजी से आपको बता दें कि कार्य कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने इस बार आपको बता दें कि बड़ा निर्णय लिया गया है और सबसे ज्यादा आपको बता दें कि महत्वपूर्ण भूमिका में ओबीसी वर्ग के साथ साथ जनरल समुदाय को भी रखा जाएगा। एससी को तो आपको बता दें कि बीएसपी में वैसे प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन जनरल और ओबीसी के लोगों को भी इस बार आपको बता दें कि काफी प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने युवा वर्ग को ज्यादा प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि बहुजन समाज पार्टी आगे आने वाले दिनों में जब टिकट का बंटवारा करेगी तो अधिकांश सीटों के ऊपर आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ज्यादा संख्या के अंदर युवाओं को टिकट देने की कोशिश है वो की जाएगी। ओबीसी वर्ग आपको बता दें कि इसके साथ ही आपको बता दें कि जनरल एससी माइनॉरिटी इन तमाम लोगों को प्राथमिकता और भागीदारी दी जाएगी और उसी के आधार पर 2022 का विधानसभा चुनाव है वो लड़ा जाएगा। 2022 के अंदर मुख्य मुकाबला आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच होने वाला है और इन तीनों पार्टियों के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आती है यह देखना दिलचस्प होगा। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आप से लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना।